अस्सलाम वालेकुम। शफ़क यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरमा। मौत से ज़िंदगी की तरफ, मौत से ज़िंदगी की तरफ पलटने वालों के सच्चे नसीहत आमोज, सबक आमोज, सनसनी खेज और हैरत अंगेज़ वाक़यात। आज इन्हीं वाक़यात में से चंद एक का ज़िक्र आपके सामने पेश करती हूं। डॉक्टर महविश जिना हस्पताल में तैनात हैं। इनके मियाँ का ताल्लुक फ़ौज से है। इन दिनों इनकी तैनाती फाटा में है। ऐसे गाजी और मुजाहिदों के सामने तो मौत हर वक्त रक्सा रहती है। डॉक्टर महविश ने ख़ुद को पेश आने वाला वाक्य सुनाया कि वो किस तरह एक मौके पर ज़िंदगी और मौत के दौराहे पर आ गई थी। वो कहती हैं, मैं 90 में 9वीं क्लास की तालिबा थी। मैं गर्मियों की छुट्टियों में इस्लामाबाद गई हुई थी। ट्रेन में वापसी थी, दादी अम्मा साथ थी। इन दिनों बम धमाकों का नया नया सिलसिला शुरू हुआ था। ट्रेन की रवानगी के आधे घंटे बाद सीट के ऊपर रखा बम फट गया। ये 3 वाली सीट के ऊपर फटा था। इसके नीचे बैठे 2 अफराद मौके पर जान बहक हो गए, बाकी शदीद ज़ख्मी हुए। डब्बे में खून ही खून और खौफ की फिजा तारी थी। मैं और दादी भी ज़ख्मी हुए, जिस पर 2-3 माह हस्पताल में रहना पड़ा। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने हमें नई ज़िंदगी दी, वरना थोड़ा सा हम आगे पीछे होते या बम इधर उधर नस्ब होता तो लोग जो फौत हुए या शहीद हुए वो हम भी हो सकते थे। जो लोग इस दुनिया से चले गए वो बेचारे बिना किसी जुर्म में इस ज़ालमाना इकदाम का निशाना बन गए। अल्लाह ताला ने महफिज से बहुत से काम लेने थे, इसलिए उन्हें ज़िंदा रखा और आज वो जिना हस्पताल में डॉक्टर महफिज के नाम से जानी जाती हैं। दूसरी जानिब जनरल रिटायर्ड मलिक अब्दुल कयूम से बातचीत हुई। सेंटर जनरल रिटायर्ड मलिक अब्दुल कयूम स्टील मिल के चेयरमैन रहे हैं। वो कहते हैं, मैं मैट्रिक में था कि शदीद बुखार की लपेट में आ गया। बुखार उतरने की बजाय शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। गांव में जिस तरह का इलाज हो सकता था वो करवाया। मुझे दरअसल टाइफाइड था, जिसका इस दौर में गांव के डॉक्टरों को इलम ही नहीं था। मेरी स्टेप मदर को भी टाइफाइड था। हम दोनों करीब करीब 4 पाइयों पर थे। वालदा का इसी से इंतकाल हो गया। मैं भी ज़िंदगी से मायूस हो गया था। ताहम अल्लाह ताला की रहमत और करम नवाजी से रिकवर होने लगा। मैट्रिक के बाद एफए किया, बीए में था कि फ़ौज में सिलेक्शन हो गई। पीएमए काकोल में तरबियत के बाद पोस्टिंग क्वेटा हुई, फिर सियालकोट हो गई, जहां महाजे जंग तैयार था। भारत की तरफ से हमला किया गया। इस दौरान दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होने वाले टेंट को आग लग गई। जीप दुश्मन की गोलियों से तबाह हो गई। जंग में मोर्चा ही महफूज मकाम होता है। भारत की तरफ से रूसी तोपों से एक एक मन के गोले दागे जा रहे थे। गोलों की आवाज़ कान फाड़ देती है। कमज़ोर असाब के मालिक अफराद की मौत के लिए गोलों और बम्बों की होलनाक आवाज़ें ही काफ़ी होती हैं। मन मन के गोले इर्द गिर्द गिर रहे थे और सड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे। कोई भी गोला आपकी ज़िंदगी की शमा बुझा सकता है। कई साथी अफसर और जवान आंखों के सामने बमबारी और गोलाबारी से टुकड़ों में बटकर जामे शहादत नोश कर चुके थे। अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में गाजी बनना लिखा था। स्टील मिल की नजाकारी जिस तरह की जा रही थी, इसका मुझ पर ज़्यादा ही असर पड़ गया। मैं खसारे में जाने वाले अदारों की नजाकारी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आई रिपीट, मैं खसारे में जाने वाले अदारों की निजकारी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर ये अमल शफाफियत से होना चाहिए। जिस दौर में मैं इसको औने पौने बेचा जाने पर तुल रहा था, उस दौर में स्टील मिल मुनाफे में जा रही थी। इसके गैर मनकुला सासों की मालियत अरबों में थी।
एक तरफ अरबों रुपए बैंक में मौजूद थे, दूसरी तरफ अरबों रुपए का खाम माल भी मौजूद था। स्टील मिल के मनकुला सासों की मालियत भी इससे ज़्यादा थी जिस कीमत पर इसे फरोख्त किया जा रहा था। इन दिनों मुझे एक बाजू में शदीद दर्द होने लगा। ये तकलीफ़ कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। मैं कराची से इलाज के लिए इस्लामाबाद आ गया ताकि AFC में चेकअप करा सकूं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल बेचने की आज खुद नोटिस पर समाप्त हो रही थी। मुझे शरीफुद्दीन पीरजादा ने सुप्रीम कोर्ट में अपना मौकफ देने को कहा। मैंने इन्हें बताया कि मैं इस्लामाबाद में इलाज के लिए आया हूं, सुप्रीम कोर्ट जाने के काबिल नहीं। इनके स्टार पर सुप्रीम कोर्ट गया, जहाँ दिल की शदीद तकलीफ के बावजूद 3 घंटे बैठना पड़ा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने स्टील मिल की निजकारी पर मेरी राय ली तो मैंने अपने तहफ़ुज़ात जाहिर किए। इनको बताया कि एक मुकम्मल रिपोर्ट सदर को भिजवा दी है। चीफ जस्टिस का कहना था इन्हें भी इस रिपोर्ट से आगाह किया जाए। मैंने बताया कि वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। बहरहाल यहाँ से फारिग होकर AFC गया, जहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया। एंजियोग्राफी की तो इनका कहना था आपने यहाँ आने में देर करके अपने ऊपर जुल्म किया है। दिल के 2 मेन वालों और एक छोटी वेन बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने 2 स्टेंट डाल दिए जिससे एक बार फिर ज़िंदगी बच गई। बहरहाल दुनिया से एक दिन ज़रूर जाना है। आज मैं गुजरी ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ तो यकीन जाने एक लम्हा महसूस होता है। इंसान की आखिर मौत ही है। ज़िंदगी यही सोचकर गुजारी जाए तो माशरा अमन और सुकून का गहवारा बन सकता है। आज इन हस्तियों के बारे में आपसे बात हुई, वो मौत की दहलीज से वापस पलटी हैं और आज ज़िंदगी में एक आला मुकाम पर फायज़ हैं। इस तरह के मज़ीद हकीकी वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।